जन्माष्टमी के पर्व को लेकर ये दुविधा बनी रहती है कि कब व्रत करें। तो आज हम यही समझ लेते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व सबसे पहले तो रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन और अष्टमी ये मिलनी चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म वासुदेव और देवकी के यहाँ अर्धरात्रि 12 बजे इसी घड़ी में हुआ था। मगर प्रतिवर्ष वार, तिथि और योग बदलते भी रहते हैं। 2020 की बात करते हैं तो 2020 को मंगलवार और बुधवार दो दिन पड़ रहे हैं। अब मंगलवार की बात करते हैं तो मंगलवार को 9:07 से लेकर बुधवार 11:17 तक अष्टमी है। अब अष्टमी आपको रात्रि को मिली है, यानी कि अष्टमी मिली है मंगलवार रात को, और बुधवार को सूर्योदय के साथ। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से व्रत प्रारण करना चाहिए। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मंगलवार के दिन जो लोग ग्रस्त लोग हैं उन्हें व्रत करना है, यानी कि अर्धरात्रि भगवान कृष्ण का जो जन्म उत्सव मिले, यानी कि जन्म प्रकट उत्सव जो मिले वो अष्टमी तिथि में ही मिले। तो अष्टमी तिथि लेने के लिए आपको मंगलवार को व्रत करना होगा, और व्रत का पारण जो है वो आपको बुधवार को करना होगा। यानी कि आपको दो दिन मिलेंगे, भगवान कृष्ण ने दो दिन दिए हैं आपको। ये दुविधा मन में निकाल दीजिए, व्रत उपवास करना है तो उसके लिए आपके पास 11 तारीख है, गृहस्थियों के लिए जिसको कहा गया है, और वैष्णव लोग हैं उनके लिए ये कहा गया है कि आप उत्सव जो मनाएं, क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के अगले दिन उत्सव मनाएं, तो आप बुधवार को मनाएं। तो दोनों दिनों की आपका पर्व भी पूरा हो जाएगा और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।